इंटर्नशिप बढ़ाए जाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए वेटनरी विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा सोमवार को वेटनरी कॉलेज परिसर में झाड़ू लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया गया। शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए ये छात्र विश्वविद्यालय स्तर से कोई पहल न होने पर खासे नाराज हैं। वर्षों से इंटर्नशिप बढ़ाने की मांग कर रहे वेटनरी विश्वविद्यालय के छात्र अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हम आपको बता दें कि वर्ष 2015 से उत्तर प्रदेश वेटनरी विश्वविद्यालय के BVSC एंड AH स्नातक डिग्री के छात्रों को विश्वविद्यालय में इंटर्नशिप किए जाने पर 4,000 रुपए प्रति माह मिल रहा है। इसमें 1,000 राज्य और 3,000 केंद्र सरकार के हैं। इस राशि को बढ़ाए जाने की मांग काफी समय से छात्रों द्वारा की जा रही है। छात्रों का कहना है कि अन्य राज्यों के वेटरनरी विश्वविद्यालय में ये राशि यहाँ से कई गुना अधिक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में MBBS छात्रों को विभिन्न विश्वविद्यालय 22,000 रुपए तक दे रहे हैं। यहाँ से की जा रही मांग के बावजूद शासन स्तर से इंटर्नशिप की राशि क्यों नहीं बढ़ाई जा रही। हम आपको बता दें कि शनिवार से BVSC एंड AH MBBS के करीब 300 से अधिक छात्र अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल के बावजूद विश्वविद्यालय स्तर पर कोई पहल न किए जाने पर सोमवार को छात्रों ने वेटरनरी कॉलेज परिसर में झाड़ू लगाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। ये सभी छात्र हाथों में झाड़ू लिए सफाई कार्य करते नजर आए, जबकि ये सफाई कार्य नहीं बल्कि उनका विरोध प्रदर्शन था। इस संबंध में जब उनसे बातचीत का प्रयास किया गया तो वह गांधीगिरी के तहत चुप ही रहे।